नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल फॉर्म जो है आप सिंपल वे से किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए संजू, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जिसका कि हमें गूगल फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गूगल फॉर्म्स में जाएंगे। उसके लिए पहले हम साइन इन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये साइन इन मैं कर चुका हूँ। बाद में फिर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये गूगल फॉर्म्स दिखेगा। देखिए ये फॉर्म्स है ना, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम एक नया फॉर्म ले लेते हैं। फिर से सपोज ये जो हमारा पेपर है ये BSc SEM 5 का है। बाद में यहाँ पर अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस डालना है तो इंस्ट्रक्शन भी हम डाल सकते हैं। सॉल्व एनी 30 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस इस तरह से और भी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको डालना है। बाद में यहाँ पर ये एग्जाम का है, इस वजह से यहाँ पर सबसे पहले आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। बाद में आएगा यूनिवर्सिटी रोल नंबर। देखो अगर आपने इस तरह से यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखा तो अपने आप ही यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको प्लस दबाएंगे। बाद में मोबाइल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कभी कभी गलत यूनिवर्सिटी रोल नंबर, इस वजह से मोबाइल नंबर यहाँ पर होना जरूरी है। इसके बाद फिर प्लस दबाएंगे। अब यहाँ से हमारा फॉर्म शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन डालना है हमें। तो ये जो क्वेश्चन है हमें किस तरह से डालना है उसके एक देखिए सिंपल मेथड है। यूजुअली आप क्या करते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, बराबर है। फिर ऑप्शन 1 में जाते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं, फिर ऑप्शन 1 लिया, फिर इसको कॉपी करके उधर पेस्ट किया। यूजुअली इस तरह से प्रोसीजर फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल वे बताने वाला हूँ। देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 ऑप्शन के साथ इसको आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी किया। बाद में फिर हम गूगल फॉर्म में आएंगे और गूगल फॉर्म में आके ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन 1 दिख रहा है ये ऑप्शन 1 में जाके आपको पेस्ट करना है। ये पेस्ट किससे होता है आपको पता है, Ctrl V। तो यहाँ पर सिर्फ मैं Ctrl V दबाता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 भी आ गया और साथ ही में यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस भी आ गए हैं। बाद में आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कहीं पर भी आपको सिंगल क्लिक करना है। तो सिंगल क्लिक करते ही पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको कट करना है। कट कैसे होता है पता है आपको, Ctrl X अगर आप दबाते हैं Ctrl X तो ये कट हो जाता है। इसको कट किया और यहाँ पर क्वेश्चन में गए और यहाँ पर इसको पेस्ट किया यानी Ctrl V दबाया। ठीक है, Ctrl X कट और Ctrl V पेस्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इसको यहाँ पर ये क्रॉस दबाना है यानी इसको क्लोज करना है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो गया विथ ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, आंसर देना है। अब आंसर क्या है, इसका आंसर D है यानी सबसे पहले मुझे ये जो फॉर्म है इसको क्विज करना पड़ेगा। इसके लिए हम सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके यहाँ पर इसको बोले मेक दिस ए क्विज। फिर से मिस क्वेश्चन पेपर या बच्चों को आंसर नहीं दिखना चाहिए, इस वजह से ये जो हमें टिक्स है वो निकाल देना है। ये मैं ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बाद में इसको सेव बोल देना है। ठीक है, अब मुझे आंसर देना है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है देखिए, क्वेश्चन 1 का आंसर D है। तो मैंने क्या किया, फिर आंसर की में गए, यहाँ पर D बोल दिए और यहाँ पर इस तरह से ये 2 मार्क दे दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो गया। बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2 चाहिए तो यहाँ पर ये प्लस दबाएंगे। प्लस दबाने के बाद फिर से ये
यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन पेपर में, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इसको कॉपी करेंगे, यानी सिलेक्ट किया और इसको कंट्रोल सी भी बोल सकते हैं आप, यानी इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर से फॉर्म्स में जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन वन में आके यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, यानी कंट्रोल वी दबाएंगे। बाद में फिर ये जो क्वेश्चन नंबर टू है इसको कंट्रोल एक्स यानी कट करेंगे, ऊपर इसको कंट्रोल वी यानी पेस्ट करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बी है आंसर, तो आंसर की में गए, यहाँ पर बी दे दिया और इसको 2 मार्क्स दे दिया और इसको डन हो गया। यानी देखिए एक क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है, देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर प्लस दबाता हूँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए कितना सिंपल वे से हो गया। तो इस तरह से सिंगल सिंगल कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप ये मेथड फॉलो करके अपना गूगल फॉर्म जो है वो फास्टेस्ट वे से तैयार कर सकते हैं। बाद में फिर रिमेनिंग प्रोसीजर जैसे आप जानते हैं, इसको अगर मुझे लिंक क्रिएट करना है तो यहाँ पर मुझे सेंड प्रेस करना पड़ेगा, और इस तरह से फिर यहाँ पर ये लिंक लिंक करने के बाद शॉर्टर लिंक, और शॉर्टर लिंक करने के बाद फिर इसको कॉपी करके फिर इसको स्टूडेंट्स को शेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर सिंपल मेथड बताई है जिससे कि आप गूगल फॉर्म जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में तैयार कर सकते हैं। और हाँ एक बात और बता दूँ, बहुत जल्दी ही मैं आपको आप किस तरह से वॉइस कमांड से टाइप कर सकते हैं, यानी आप बोलेंगे और कंप्यूटर पर टाइप होगा, आप जिस लैंग्वेज में चाहेंगे उस लैंग्वेज में, तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं वो उसके वीडियो इस चैनल पर मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। तो बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।